डायरेक्टर शॉन लेवी, एंड रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन इन तीनों ने भी कुछ अलग करने की कोशिश की है, जिस बात की सबने अपेक्षा तो की थी लेकिन किसी ने करने की कोशिश नहीं की थी। जरा सोच के देखिए, ह्यू जैकमैन को वुल्वरिन के किरदार में पंजे निकालते हुए देखने के लिए लोग मरे जा रहे थे। टीवी का कंसेप्ट वैसे तो लोकी के वेब सीरीज में अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन टीवी को और मल्टीवर्स को इस फिल्म में जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, आप लोग जरूर इसे लोकी की वेब सीरीज से ऊपर रखोगे। इस फिल्म को देखने के लिए आपको एमसीयू के फिल्मों के सिलेबस को देखने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। फिल्म के डायलॉग से ही आपको फिल्म के पीछे की आधे अधूरी कहानी समझ में आएगी। वैसे तो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स बच्चों को ध्यान में रखकर ही फिल्में बनाता आ रहा है, लेकिन मार्वल के इतिहास में भी अभी पहली बार हो रहा है कि डेडपुल और वुल्वरीन ये फिल्म 18 प्लस के टैग से रिलीज हो रही है। वैसे तो डेडपुल फ्रेंचाइजी की पिछली दोनों भी फिल्में ए सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीज हो गई थी। एक्चुअली डेडपुल और वुल्वरीन ये फिल्म जब बन के तैयार हो रही थी तो उसके कर्ताधर्ता 20th Century Fox एक कंपनी थी। 20th Century Fox को जब डिज्नी ने बाय किया तो बनी बनाई फिल्म को डिज्नी को 18 प्लस के सर्टिफिकेट से रिलीज करना ही पड़ा, और तभी डेडपुल और वुल्वरीन इस फिल्म के ऊपर एडल्ट फिल्म का थप्पा लग गया है। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह की है। डेडपुल यानी कि वेड विल्सन एक सेल्समैन की नौकरी करते हुए एक सामान्य यानी कि आमतौर की जिंदगी जी रहा होता है। उसका अपने गर्लफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हो गया है और उसे एवेंजर की टीम का हिस्सा भी बनना है, लेकिन उसके बर्थडे पे टीवी के एजेंट उसे मिस्टर पैराडॉक्स के पास में ले जाते हैं। मिस्टर पैराडॉक्स उसे कहते हैं कि उसे एक अच्छे मकसद के लिए चुना गया है, वो भी एवेंजर की तरह दुनिया को बचा सकता है। ऐसा कुछ करने के लिए उसे अपनी टाइमलाइन को छोड़ना पड़ेगा, और वो कुछ ऐसा करते ही उसकी टाइमलाइन वहां पे कोलैप्स होने वाली है। वुल्वरीन यानी कि ह्यू जैकमैन की लोगों ने इस फिल्म में मौत के बाद में सारी समय रेखाएं बिगड़ने लगी थी, तब अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए डेडपुल वुल्वरीन को ढूंढने को जाता है। डेडपुल को अलग अलग दुनियाओं में भटकने का मौका मिलता है। डेडपुल और वुल्वरीन दोनों भी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जैसे एक दूसरे के साथ में लड़ते हुए देखने को मिलते हैं। हालांकि दोनों भी म्यूटेंट के पहले से ही एक दूसरे की जान के प्यासे थे, लेकिन कहानी को इस तरह से बुना गया है कि बाद में वो एक दूसरे के अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। कहानी में आगे का मामला बिल्कुल हिंदी फिल्मों के जैसा ही देखने को मिलता है। एक शाकाल टाइप का विलेन है जिसे बेवजह ही दूसरों के दिमाग में उंगली करने की खराब आदत है। इसके आगे की कहानी क्या डेडपुल अपनी टाइमलाइन को बचा पाएगा, ज्यादातर इस पे ही फोकस करती है। साइंस फिक्शन और फैंटेसी फिल्में बनाने वाले शॉन लेवी के लिए हालांकि डेडपुल की दुनिया किसी भी मायने में नई नहीं है। फॉक्स स्टूडियोज को लेकर मजेदार जोक्स मारना, खुद को एमसीयू का मसीहा बताना, ऐसे चुटकुले कहानी में नयापन तो लाते हैं, लेकिन इसी मजाक के चक्कर में कहानी थोड़ी भटकती भी है। एमसीयू में आने के बावजूद भी ये फिल्म अपनी पिछली फिल्मों से जुड़ी हुई है। ऐसे में डेडपुल और एक्समैन की पिछली वाली फिल्में अगर नहीं देखे तो कुछ कुछ बातें सर के ऊपर से जरूर जाने वाले है। फिल्म का क्लाइमैक्स सभी आम सुपर हीरो वाली फिल्मों की तरह ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे और भी एक इमोशनल पहलू देखने को मिलता है। वो अपने परिवार को छोड़ के दुनिया को बचाना चुनता है। की शुरुआत में ही डेडपुल के एक अंग्रेजी गाने के ऊपर एक्शन सीन देखने को मिलता है, जो हूबहू एनिमल इस फिल्म के उस दृश्य की याद दिलाता है जहाँ पे अर्जुन विली ये गाना बज रहा होता है। वुल्वरीन और डेडपुल की जुगलबंदी इस फिल्म के लिए शानदार तरीके से देखने को मिलती है। मल्टीवर्स के वुल्वरीन के अलग अलग रूप एमसीयू की कहानी की गहराई को दिखाते हैं। फिल्म के डायलॉग में इतनी सारी गालियां देखने को मिलती है कि अगर सारी गालियों को भी सेंसर कर दिया जाए तो डायलॉग में सिर्फ डेडपुल और वुल्वरीन इतना ही सुनने को मिलेगा। खैर यही तो डेडपुल की अपनी पहचान है। डायरेक्टर शॉन लेवी फ्री गाय और एडम प्रोजेक्ट में रैन रेनॉल्ड के साथ में काम करते हुए ह्यू जैकमैन के साथ में रियल स्टील में भी काम कर चुके हैं, और इसी तिकड़म्बाज तिकड़ी ने एमसीयू का पूरा भौतिक ही बदल दिया है। डेडपुल और वुल्वरीन की केमिस्ट्री कमाल की है। फिल्म के साउंड बेहद ही चटपटे और आग लगाने वाले है। फिल्म का संगीत भी शानदार रखने की केविन फीजी ने कोशिश की है। अभिनय की बात करें तो रैन रेनॉल्ड ने डेडपुल के कैरेक्टर का घोल बना के जैसे पी लिया हो। आज जवाबी और जोक्स के बीच में भी गंभीर होकर दमदार एक्शन करना उसे किसी भी दूसरे सुपर हीरो से अलग बनाता है। ह्यू जैकमैन को इस फिल्म में देखना किसी आश्चर्य से कम वाली बात नहीं है। एमा कोरिन विलेन कैसांड्रा नोवा के किरदार में कमाल करती है। केवल अपने लुक से ही नहीं अपने अभिनय से भी वो इस किरदार में दमदार लगी है। नेगेटिव रोल में मैथ्यू मैकफेडेन भी प्रभावित करते हैं। डेडपुल और वुल्वरीन ये फिल्म सिर्फ 18 प्लस वालों के लिए ही है, तो इस फिल्म को अपने परिवार के साथ में देखने की भूल ना करें तो ही बेहतर हो सकता है। तो 18 प्लस वाले मेरे प्यारे दोस्तों,
डेडपूल और वुल्वरीन ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।